नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बुबर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे नाम इंडिया के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों तो निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट है दोस्तों। ये जो है कि MC ग्रुप को बिलोंग करती है। इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं। फंसे होने के बाद देखा जाए तो अभी तक ये स्टॉक लगभग 50% के आसपास डाउन है। अभी इस स्टॉक में दोस्तों अपने को बाइंग करना चाहिए या इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर फंसे उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और अभी इस स्टॉक की खासियत क्या है दोस्तों, तो आपसे बता दें इस स्टॉक में जो वैल्यूम है, वैल्यूम की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो अच्छा खासा माल भी उठाया जा रहा है। तो हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के ऊपर NSE के ऊपर इसको जो है कि नाम इंडिया से जाना जाता है। कंपनी की बात करें तो फ्राइडे के दिन कंपनी एक फ्लैट कारोबार किया, कुछ भी, नो प्रॉफिट नो लॉस के कगार पे। ऐसे में अगर हम एक साल की बात करते हैं दोस्तों तो एक साल में कंपनी लगभग 30% डाउन है। इस कंपनी की बात करें ये कंपनी 350 की प्राइस को टच करती है, उसके बाद गिरावट, फिर उसके बाद जो है कि 300 के ऊपर टच करती है, फिर जो है कंपनी में गिरावट और हैवी गिरावट देखते हुए देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने भी वही 27-30% के आसपास डाउन है। अगर 5 साल की बात करते हैं तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों आपसे बता देते, इसके पहले भी ये कंपनी नहीं चल रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके पहले भी नहीं चल रही थी। कंपनी में तेजी आती है तो एक तरफा तेजी, उसके बाद गिरावट, उसके बाद दोस्तों फिर से जो है तेजी आती, फिर जो है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ यही है कि इस स्टॉक से यही पता चलता है कि इस स्टॉक में जब तेजी आती है तो तेजी एक तरफा रहती है, गिरावट होती है तो एक तरफा गिरावट भी अपने को देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में अपने को पॉजिटिव क्या दिख रहा है, अगर आप कंपनी की EPS की बात करें, अर्निंग की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी लगभग 7% के आसपास जो है कि बीट किया है दिसंबर 2022। नाम इंडिया की बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे वही फ्लैट कारोबार होने के बाद कंपनी 6 अप्रैल 2022 को 357 का हाई लगाती है। लो की बात करते हैं तो 219 रुपये का कंपनी लो भी लगाती है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी में देखा जाए तो वैल्यूम लगभग 1.3 मिलियन के आसपास जो है कि वैल्यूम बने हैं। और इसमें देखा जाए तो सबसे पॉजिटिव साइन 1.1 मिलियन जो है कि माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि ओनली NSE की बात करते हो तो 83% का निकल के आता है। ऐसे में अगर आप कंपनी की बात करते दोस्तों तो इस समय ना कंपनी के रिजल्ट्स हैं, कंपनी के रिजल्ट्स भी देखने को मिल चुके हैं। और कंपनी की बात करते दोस्तों तो देखा जाए सारा न्यूज़ जो है कि पुराना ही है। यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिसेशन, उसके बाद जो है 7 फरवरी को शेयर होल्डिंग का मीटिंग। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते दोस्तों 30 जनवरी को जो है कि ख़त्म भी हो गए हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी 4-5 रुपये के आसपास डिविडेंड भी पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों तो आपसे बताना चाहते, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन जो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 73% के आसपास स्टेक जो है प्रमोटर के पास है दोस्तों, अभी तक कुछ भी प्लेस नहीं है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये जो है कि MC ग्रुप को ही नहीं बिलोंग करती, इस कंपनी के पास जो है कि बैंकिंग सुविधा और फाइनेंस सेक्टर का भी कंपनी जो है कि काम संभालती है। अगर कंपनी की बात करें तो इसके जो है कि फाइनेंस सेक्टर वाले भी जो है कि कंपटीटर हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो जो है कि फाली कमेंट जो है कि लगभग कंपनी जो है कि अगले वीक ही लगभग देखा जाए तो जो कंपनी का नियर बाउंड वीक लो है, अगले वीक ही जो है कंपनी ने लगाया था। यहाँ पे अगर हम बात की वैल्यूम की करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे हाई वैल्यूम बना है लगभग 1.4 मिलियन NSE प्लस BSE पे। और जो दोस्तों सबसे बड़ा कैंडल्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ा कैंडल्स यही वाला आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी की बात करते हैं दोस्तों देखा जाए तो 82-83% का माल डिलीवरी में उठाया जाता है। इसके पहले की बात करते तो 67% 75% 75% दोस्तों, मतलब आपसे बताना चाहते हैं कुछ दिनों से आप इसको देख सकते हैं, जब से 7 फरवरी को दोस्तों जो है कि मतलब इन्वेस्टर के साथ, शेयर होल्डर के साथ कंपनी का मीटिंग हुआ है, तब से जो है कि इस स्टॉक में देखा है तो 75% का स्टेक जो है, मतलब माफ़ करना, 75% जो है माल डिलीवरी में हर बार उठाया जाता है। और गिरावट की बात करें तो लगभग 3-2% की तेजी दोस्तों, मतलब स्टॉक एक कंसोलिडेट देखा जाए तो मतलब ये थोड़ा सा क्या है कि इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल। निपॉन इंडिया के ऊपर भी दोस्तों हमने कई बार वीडियो बनाया। ये कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में दोस्तों ETF में कंपनी मैनेज अकाउंट करती है। कंपनी की बात करते हो तो इस कंपनी के पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी है, पेंशन स्कीम भी फंड है दोस्तों। आपसे बताना चाहते हैं इस कंपनी की बात करें तो ऑफशोर फंड एंड एडवाइजरी मैंडेट भी कंपनी करती है। कंपनी का मतलब तमाम जो है कि बिजनेस है। अगर इस कंपनी की बात करते हो तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, 13,900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की बात करते हैं 220 रुपये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है दोस्तों। मेरे पॉइंट से जो इन्वेस्टर फंसे हैं, आप चाहे तो पुराने होल्डिंग को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर जो रिटेस्टर अभी तक इस स्टॉक को बाइंग नहीं किए, मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे थोड़ा सा निवेश करके अगर
ज़्यादा नहीं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो 5000 के आसपास निवेश करके चल सकते हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी 350 का हाई लगाती है जो कि 52 है। लो की बात करते 220 का, जो कि कंपनी रिसेंट में ही लगाया था। पी की बात करते दोस्तों 20 का है। बुक वैल्यू की बात करें 52 का है। डिविडेंड कंपनी 5% के आसपास दोस्तों कंपनी डिविडेंड ही दे देती है। अगर आरओसी आरओई की बात करते तो ठीक ठाक है, मतलब 20 के आसपास 30 के आसपास इसका आरओसी आरओई है। 10 का फेस वैल्यू है। अगर हम कंपनी के, हाँ दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो प्रोस की बात करते हो तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड, मतलब दोस्तों 5% के आसपास कंपनी डिविडेंड दे देती है। अगर कंपनी की बात करते हो तो कंपनी जो है कि 85% डिविडेंड हेल्दी जो है कि पे आउट करती है। इस कंपनी की अगर कॉन्स की बात करते हो तो द कंपनी हैज़ डिलीवर ए पुअर सेल्स। कंपनी का थोड़ा जो सेल्स है दोस्तों 5 सालों में कुछ अपने को गलत, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर कंपनी के कंपटीटर की बात करते हो तो जैसा कि हमने आपसे बताया कंपनी जो है कि फाइनेंस सेक्टर को भी बिलोंग करती है। तो इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आपको कंपटीशन देखते मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ लास्ट में देखेंगे दोस्तों तो HDFC AMC, ये भी देखा दोस्तों तो फाइनेंस सेक्टर वाली ही कंपनी है। HDFC लग गया दोस्तों तो इसका भी बहुत बड़ा ग्रुप है। और नाम इंडिया की बात करें, निपॉन की बात करें तो ये भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हो तो कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे देखा जाए तो 330 करोड़, मतलब एक फ्लैट भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है कि इसको जंप भी बोल सकते हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्लैट कहिए, चाहे जो है कि नॉर्मल फ्लैट कहिए, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप कहिए, मतलब दोस्तों देखा जाए तो दोनों बेसिस पे जंप ही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हो तो कंपनी का मार्जिन्स भी देखा जाए तो बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। कंपनी की अगर हम PNL की बात करते हो तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का PNL देखा जाए तो ठीक ठाक है, जो कि TTM में जैसा कि हमने देख लिया दोस्तों कंपनी का, जो कि देखा जाए तो डाउन ही देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो डाउन ही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का TTM में डाउन है। लेकिन ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, इस समय जो जितनी भी AMC कंपनियां हैं दोस्तों, बहुत मतलब क्या है कि सुपर डुपर रिटर्न बना के नहीं दे रही। इस समय अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों तो AMC कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है हमने देखा दोस्तों, जो कि अच्छा नहीं है, 3 साल में लगभग 4% कंपनी का डाउन है, जो कि हमने ऊपर ही देख लिया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का डाउन ही देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, माफ करना, CGR की बात करते हैं तो CGR भी देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। मतलब दोस्तों जितना भी रिटर्न बना के दिया था सारा जो है कि गायब हो गया है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास है, जो कि मेंटेन रखा है कंपनी ने। अगला दोस्तों अगर पॉजिटिव साइन है तो 3,000-2,500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। देखा जाए दोस्तों तो कंपनी एकदम प्योर डेट फ्री कंपनी है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देखिए कंपनी क्या है कि डेट फ्री होने के बाद उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व्स भी है दोस्तों। लेकिन हाँ, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कुछ रिजर्व्स कंपनी के ओवर नहीं गए, मतलब ऊपर नहीं गए दोस्तों, डाउन हुए हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला दोस्तों, आप चाहे इसको नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर करिए, चाहे जो है कि पॉजिटिव साइन में। दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी के पास अभी जितना भी प्रमोटर के पास स्टेक है, दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने कुछ सेल किया है, ऐसे में FIs ने भी कुछ सेल किया है, DIs की बात करते हो DIs ने भी कुछ सेल किया है। देखा दोस्तों तो तीनों ने जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि सेल किया है। तो बाइंग किसने किया दोस्तों? रिटेल इन्वेस्टर की बात करते दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है? इंडसइंड बैंक। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इंडसइंड बैंक ही इस स्टॉक में, मतलब जो कि निवेश किया है 3% 3.5% के आसपास इंडसइंड बैंक के पास है। और दूसरा क्वांटिटी की बात करते हो तो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो प्रमोटर के पास स्टेक है, आपसे बताना चाहते हैं कि जो कि निपॉन लाइफ ही है, इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, इसी के पास है। और कंपनी की बात करते हो, पहले रिलायंस कैपिटल के पास था, अभी फिलहाल की बात करें तो कुछ नहीं है। निपॉन लाइफ इंडिया में दोस्तों अपने को अभी करना क्या? सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, जिनके पास हायर साइड से पड़ा है, लगभग 400 के ऊपर की प्राइस से पड़ा है दोस्तों, और बहुत पुराने समय से निवेश किए हैं दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। इस समय दोस्तों देखा जाए तो AMC वाली ही कंपनियां जो है कि अपने को बहुत ज़्यादा पेन देते हुए दिख रही है। तो देखा जाए दोस्तों, देखिए कभी एक साइकिल होता है, आज जो है कि AMC वाली कंपनियां दोस्तों क्या है, ये भी चली थी। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, जैसे ही मतलब क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो है कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट हो गया डायरेक्ट मार्केट में दोस्तों, देखा जाए तो इनके थोड़े से क्या है कि डाउन हो गए हैं अभी। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टाइम में अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो एक दिन इनका भी टाइम आएगा दोस्तों, और ये भी स्टॉक अपने को अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगे। जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे है। देखिए दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा मेरा उम्मीद नहीं है कि स्टॉक में गिरावट होगी। देखा जाए तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं। अगर पॉजिटिव साइन की बात करते हैं तो इस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज में माल भी अच्छा
खासा उठाया जा रहा है, और वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है, और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेट, ना बहुत तेजी ना बहुत गिरावट दोस्तों। जैसा कि आपको पता है किसी स्टॉक में अगर वैल्यूम अच्छा बना दोस्तों, बाइंग ज़्यादा हुआ तो उस स्टॉक में तेजी, बाइंग कम हुआ दोस्तों तो इस स्टॉक में गिरावट। और ब्लॉक डील की बात करें तो मतलब कोई भी खरीदता है तो कोई बेचता भी है दोस्तों। जैसे दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास है आप फंसे हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी बहुत लॉस हो रहा है दोस्तों, इसको आप चाहे तो इग्नोर करके चल सकते हैं। कंपनी अभी तक देखा जाए तो 50% डिस्काउंट पर मिल रही है। और कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का भी अगर देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है, तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 200 से हो सकता है कि 200 के नीचे भी आ सकती है दोस्तों। क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो इस समय थोड़ी सी कंपनी जो है कि ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अगर स्टॉक में तेजी आती है दोस्तों तो ये स्टॉक एक दिन आपको जो है कि 350 की प्राइस पर जाता हुआ दिख सकता है, जो कि लॉन्ग टाइम का मैं टारगेट दे रहा हूँ। अभी शॉर्ट टाइम में कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।